सो एक्सरसाइज 8.1 में ही हमारे पास में कुछ और क्वेश्चंस रह गए थे, उनकी बात करते हैं आज और कल से फिर इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है मिड पॉइंट थ्योरम वो करेंगे, ठीक है। चलो उसकी बात करते हैं जो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने चाहिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा गया, क्वेश्चन तो प्रॉपर तरीके से दिया गया है। एक चलो डिस्कस करते हैं इस बात को। A quadrilateral in which a pair of opposite side is parallel is a trapezium, right? So ABCD is a trapezium, है ना? But in this trapezium, the diagonals are not equal, and angle A and angle B are not equal. Angle A is not equal to angle B. Angle B and angle C are also not equal to each other. ठीक है, हम देख भी सकते हैं angle A छोटा है, angle B बड़ा है ना? इसी तरह से AC diagonal और BD diagonal भी equal नहीं है। AC हम देख सकते हैं बहुत lengthy है, जबकि BD जो है वो एक shorter diagonal है ना? हमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये trapezium isosceles trapezium हो, Remember what was isosceles trapezium? जब हमने chapter start किया था तो हमने वहां पे बात करी थी इसकी। A trapezium in which the non-parallel sides are equal. A trapezium in which the non-parallel sides are equal. ऐसा trapezium जिसकी non-parallel sides equal हो, वो एक isosceles trapezium होता है। And suppose in this trapezium ABCD, AD and BC are equal. इस trapezium की खासियत है कि angle A और angle B equal होंगे और angle C और angle D भी equal होंगे. Angle A and angle B ये दोनों आपस में equal होंगे और angle C और angle D equal होंगे. इसी तरह से इसके diagonals यानी कि AC और BD दोनों diagonals भी equal होंगे. लेकिन कब? जब ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो तो। अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ऐसा होता है ना? द क्वेश्चन गिवन इन एनसीईआरटी इज आल्सो लाइक दिस। उसमें ये सब गिवन है, फिगर गिवन है, इवन यहां की कंस्ट्रक्शन जो है वो भी गिवन है, ठीक है। So, ये चॉइस है टीचर की कि वो आपको कंस्ट्रक्शन बताए या ना दे, लेकिन आपको बताना चाहिए। चलो अपन बात करते हैं इसकी, है ना? इस क्वेश्चन में गिवन है कि AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर एंड AD इज इक्वल टू BC। इन दिस फिगर इट इज गिवन दैट AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर एंड AD एंड BC आर इक्वल टू ईच अदर। तो प्रूफ क्या करना है? पहली बात कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें ये प्रूफ करना है कि ए सी एंड बी डी आर इक्वल टू इच अदर। ए सी one of the diagonal is equal to the other diagonal. So AC और BD are equal to each other. ये दो चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि try to understand the question. I have sent you already the PDF, the solution of this question, है ना? तो आप solution पे ध्यान दीजिएगा मेरा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ब्लैकबोर्ड भी मेरा छोटा ही है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा पूरे सोल्यूशन को एक साथ, इसलिए मैं आपको समझाते हुए चलता हूं, ठीक है। चलो ऐसे ज्योमेट्री का बेसिक स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन जो जैसे ट्रेपेजियम का ये वाला है,
और हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या हमें इसमें सॉल्व करने के लिए हेल्प चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, एक पैरेलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम एक पैरेलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये चीज हमने हीरोज फॉर्मूला में भी सीखी थी, याद है? बिल्कुल याद होगा, हमने याद होगा। देखो, हमने जब हीरोज फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम निकाला था, तो हमने यहाँ पे थ्रू बी वी हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू एबी इंटरसेक्टिंग सीडी एट ई, तो हमने इसको एक पैरेलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया था, याद है ना? पैरेलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद में इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद हाई निकाल के और सब हमने उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बिल्कुल वही है, बेसिक रूल है ज्योमेट्री का कि अगर ट्रेपेज़ियम सॉल्व ना हो रहा हो तो आप उसको एक पैरेलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, पैरेलोग्राम में कन्वर्ट करने के दो मतलब तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि थ्रू बी वी कैन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ईडी, और अनदर वे इज दैट वी कैन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल थ्रू पासिंग थ्रू सी पैरेलल टू ईडी, एडी के पैरेलल लेकिन सी से पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। टू सी वी हैव ड्रॉन अ पैरेलल लाइन टू एडी इंटरसेक्टिंग एबी एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड एबी एट ई। क्लियर है? कोई भी ट्रेपेज़ियम का क्वेश्चन हो ज्योमेट्री में, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट वी हैव सीन इट इन हीरोज़ फॉर्मूला आल्सो, कि बेसिक कंस्ट्रक्शन है कि अगर ट्रेपेज़ियम का क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो उसे एक पैरेलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे भी ध्यान रखते हैं। अगर मैं बी से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू एडी, तो एंगल बी दो टुकड़ों में टूट जाएगा और ये एंगल बाइसेक्टर हो ये भी जरूरी नहीं है, है ना? तो थोड़ा सा लिखने में इसका सॉल्यूशन मुश्किल होगा, इसलिए क्या करते हैं, ये वाले कंस्ट्रक्शन ना करके हम पैरेलोग्राम कन्वर्ट करते हैं, पैरेलोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं लेकिन थ्रू सी। ठीक है, चलिए, तो अपन ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन को स्टार्ट किया। थ्रू सी draw a line parallel to AD intersecting extended AB at E, intersecting extended AB at E. Is the construction clear? क्या किया हमने, एक पैलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, करते ना, देखो ना, AB is parallel to CD given था और AD और CE हमने parallel construct कर ली। ये quadrilateral जिसके दोनों ही pair opposite pairs parallel हो वो एक parallelogram ही तो होता है। एक quadrilateral जिसके दोनों pair of opposite sides parallel हो वो एक parallelogram ही तो होता है। तो ये एक parallelogram हो गया। कौन सा नाम क्या है, A B C E, A B C E is a parallelogram, right? पहली बात है ना। अब बिना लिखे इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, अगर ये वाला एंगल x हो, मान लीजिए एंगल A अगर x है, तो एंगल D हम बता सकते हैं पक्का 180 माइनस एक्स होगा। क्लियर है ना? क्यों, ए और डी अगर ये एक्स तो ये 180 माइनस एक्स, क्यों? द रीजन इज, यस करेक्ट, द रीजन इज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, देयर सम इज 180। पैरेलल लाइंस हो तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये दोनों एंगल आपके अपने पास, अगर एक को एक्स माने तो दूसरे को 180 माइनस एक्स माना पड़ेगा। ठीक है, ए डी सी ई इज अ पैरेलोग्राम, ऑफ कोर्स ए डी और सी ई भी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल बी, एंगल ए बी 180 माइनस एक्स ही होगा। सही है, एंगल ई और एंगल ए का सम भी 180 होगा क्योंकि ए डी एंड सी ई आर ऑल्सो पैरेलल।
या यू भी कह सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई बिकॉज दे आर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स होगा ठीक बा है ना चलो आगे चलते हैं ठीक है क्या एडी और सी ई इक्वल है एडी इज इक्वल टू सी ई है चेक करो हाँ है क्योंकि दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या AD is equals to BC है चेक करो हाँ इट वाज गिवन दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेज़ियम सो AD and BC आर आल्सो इक्वल सो इन दोनों सेंटेंसेस का इन दोनों का कंक्लूजन ये है कि CE and BC आर इक्वल CE and BC आर इक्वल टू इच अदर राइट चलो अगर CE इक्वल है AD के BC इक्वल है AD के तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर सो BC एंड CE आर इक्वल टू इच अदर अगर इस ट्रायंगल BCE की बात करें और एंगल E 180 माइनस एक्स हो तो एंगल BB तो 180 माइनस एक्स होगा क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया चेक करो और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं सही है ना सो अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स ही होगा राइट अब लीनियर पेयर के कंसेप्ट आते हैं अगर ये 180 माइनस एक्स है एंगल ईबीसी तो एंगल एबीसी एक्स होना चाहिए क्योंकि इनका समानिटी होता है ये लीनियर पेयर है तो आप देख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है और वो दोनों सिक्स दोनों एक्स ठीक है इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो एंगल ईबीसी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल एंगल ईबीसी एंड एंगल बीसीडी दे आर आल्सो इक्वल दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये देखो ये जेड बन रहा है ना सो दे आर आल्सो इक्वल So they are 180 minus x each. अब यहाँ पे देखें एंगल D और एंगल C भी इक्वल आ चुके हैं दोनों 180 minus x और 180 minus x है right? तो एक फर्स्ट पार्ट तो हो गया इस क्वेश्चन का और यही सबसे बड़ी हर्डल है यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझ में आनी चाहिए उसके बाद में वाले जो क्वेश्चन है वो तो बात समझ में आ जाएगी ठीक है चलिए तो अब मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहूंगा और अब मैं इस क्वेश्चन को एक जनरल फॉर्म में पूछता हूं चलो मान लीजिए किसी ने हमें ये दिया कि ये एंगल डी जो है वो 60 डिग्री है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द अदर एंगल्स ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रेपेज़ियम यस एनी वन ऑफ यू सो We have proved that angle A and angle B are equal, angle C and angle D are equal. Now, the next part. Why the diagonals are equal and how the diagonals are equal? So, ABCD is a trapezium. इसको एक बार के लिए हटा देते हैं क्योंकि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है. इन दो triangles की बात करते हैं. Triangle ABC and triangle BAD. ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी की बात करते हैं ठीक है ए डी एंड बी सी आर इक्वल एंगल ए बी सी अभी हमने प्रूव किया इज इक्वल टू एंगल बी ए डी ये भी अभी अपन ने प्रूव किया है ना एंड ए बी कॉमन सो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी ठीक है ए बी एंड बी ए और ए बी आर कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी एज प्रूफ अभी अभी अपन ने प्रूफ किया ठीक है एंड लास्ट वन बी सी एंड ए डी आर इक्वल
possible. So therefore, triangle ABC is component triangle BAD by SAS. Check करो क्या angle is included between two equal sides है? है ना? So when the angle is included between two equal sides, so SAS बिल्कुल सही है. So it implies that AC is equals to BD by CPCG. So corresponding parts of component triangle के हिसाब से AC और BD आपस में equal होने चाहिए. Right? एक अच्छा question, है ना? Property याद रहेगी. चलिए, हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बेसिकली व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अ ट्रेपेजियम इन विच द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. सो एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी. पहली बात, ठीक है. दूसरी बात, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम the diagonals are equal. AC and BD are equal to each other. ये हमने प्रूव किया. हमने दो चीजें प्रूव करी इस क्वेश्चन में, है ना? So it is a property of an isosceles trapezium. Okay, we'll continue the chapter tomorrow.